जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ पोको X5 प्रो के लिए भी इंडिया में न्यू अपडेट जो है वो रोल आउट होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और साथ में इसके बड़े भाई जो पोको F3 GT है उसके लिए भी यहाँ पर इंडिया में MIUI 14 बेस्ड Android 13 का जो है अपडेट यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि पोको F3 GT के अंदर जो अपडेट आया है उसमें क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और पोको F3 GT जो है इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके दिमाग में यहाँ पर 5G के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर पोको के X5 प्रो डिवाइस के बारे में, और पोको X5 प्रो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, और पोको X5 प्रो के लिए यहां पर इंडिया में न्यू अपडेट आ चुका है जिसका MIUI वर्जन है 14.0.7.0 SMSIN XM। स्टेबल अपडेट है, 324 MB का ये अपडेट साइज यहां पर देखने को मिलता है। ये तो पहला ये अपडेट है यहां पर पोको के X5 प्रो के लिए जब से लॉन्च हुआ है, और अभी 6 फरवरी को ही लॉन्च हुआ था, और आज जो है यहां पर तकरीबन 17 फरवरी होगी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो यहां पर इसके लिए 16 फरवरी को एक अपडेट आ चुका है। लगभग 10 दिनों के बाद ही, मोबाइल लॉन्च होने के 10 दिन बाद ही जनवरी 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दे दिया गया है पोको X5 प्रो के अंदर, 324 MB का अपडेट साइज देखने को मिलता है। और रही बात इस अपडेट के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, तो आप यहां पर देख सकते हो ये पोको X5 प्रो का जो है डिवाइस देखने को मिलता है, यहां पर पोको X5 प्रो भी लिखा हुआ है, और वर्जन देख सकते हो पहले MIUI 14.0.6.0 था जिसमें यहां पर जो है दिसंबर का सिक्योरिटी पैच यहां पर रन करता था, बट अभी क्या है कि इसके लिए जो अपडेट रिलीज हुआ है इसके अंदर यहां पर MIUI 14.0.7.0 है, और इसके अंदर जो जनवरी का सिक्योरिटी पैच ऐड कर दिया गया। आप देख सकते हो कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है वो जनवरी 2023 का यहाँ पर कर दिया गया, और डिवाइस की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो ये पोको X5 प्रो डिवाइस का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर है। तो अगर आपके पास पोको X5 प्रो डिवाइस है और आपने इस डिवाइस को बाय कर लिया तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो अपडेट है यहाँ पर इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। ये जैसे एक नॉर्मल सिक्योरिटी पैच का अपडेट है, और डिवाइस की जो है स्मूथनेस वगैरह बढ़ाई गई है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर बग फिक्सिस किया गया है। तो चलो अच्छी बात है कि डिवाइस से लॉन्च होने के 10 दिन बाद ही न्यू अपडेट आ गया, ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, और अपडेट करके आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। पोको F3 GT यूजर्स, मैं आप सभी बता दूं कि पोको F3 GT के अंदर यहां पर इंडिया में जो है न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और ये अचानक में भयानक यहां पर हो चुका था पोको F3 GT यूजर्स के लिए और पूरे पोको डिवाइस यूजर्स के लिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, पोको F3 GT ऐसा डिवाइस है जिसको लास्ट ईयर 2022 के अंदर भी जो है ना सबसे पहले MIUI 13 एंड Android 12 का अपडेट मिला था। उस समय शाओमी के भी डिवाइस को नहीं मिला था, और रेडमी के डिवाइस को भी नहीं मिला था। उस समय सबसे पहले MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट था वो सबसे पहले पोको के F3 GT के अंदर आया था फरवरी के महीने में। बट इस बार 2023 में सबसे पहले MIUI 14 Android 13 का जो अपडेट है ना वो Xiaomi 12 Pro के अंदर आया। बट यहां पर Poco सीरीज की बात करें तो Poco सीरीज के अंदर इस बार सबसे पहले जो अपडेट है ना MIUI 14 बेस्ड Android 13 का, वो जो है यहां पर सबसे पहले Poco F3 GT में आया। देख रहे हो पोको F3 GT में पहले अपडेट आ गया, और जो हाल ही में लॉन्च हुआ पोको F4 जो है उसको लास्ट 6 महीने से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। देख सकते हो क्या हालत कर रखी है पोको ने यहां पर पोको F4 यूजर्स की, और पोको F3 GT यूजर्स की कोई कानोखार खबर नहीं थी कि यहाँ पर इसके लिए अपडेट का वर्जन रेडी हो चुका है, ये अपडेट अभी आने वाला है। हमने सोचा था बस एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट आने वाला है पोको के F3 GT में, बट यहाँ पर पोको वालों ने कहे या शाओमी वालों ने कहे कि उन लोगों ने यहाँ पर अचानक में भयानक वाला काम कर दिया, और उन लोगों ने बहुत जल्दी यहाँ पर पोको F3 GT के अंदर स्टेबल अपडेट जो है MIUI 14 बेस्ड एंड्रॉइड 13 का अपडेट यहाँ पर रिलीज कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 14.0.1.0 है, TKG INXM लिखा हुआ, और 3.6 GB का अपडेट साइज यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि स्टेबल MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 का अपडेट है, और इसके अंदर जो है जनवरी 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहाँ पर दिया गया। जैसे कि आप भी देख सकते हो जनवरी 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच ऐड कर दिया गया, और कुछ आपको फीचर्स ऐसे इंप्रूवमेंट्स वगैरह लिखे हैं, बट कुछ फीचर्स नहीं मिले हैं पोको के डिवाइसेज में बिकॉज पोको लॉन्चर की वजह से। आपको सुपर फोल्डर का भी फीचर जो है मैंने सुना है कि नहीं मिला है पोको F3 GT में, जो कि काफी बुरी बात है। तो पोको के डिवाइसेज में सुपर फोल्डर का ऑप्शन नहीं मिला है क्योंकि लॉन्चर है ना पोको लॉन्चर, उसकी वजह से। और जो MIUI सिस्टम लॉन्चर है उसमें MIUI 14 का अपडेट आ जाता है, तो उसके अंदर वो चीज़ मिल जाती है। बट फ्यूचर में भी जो है पोको के डिवाइसेज में सुपर फोल्डर का ऑप्शन आ ही जाएगा आई थिंक, बाकी वेट कर लेते हैं यहाँ पर। अभी तो फिलहाल मैं यही बता दूँ कि पोको F3 GT यूजर्स के लिए अपडेट यहाँ पर आ चुका है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि चेंज क्या है इसके अंदर। चेंज दिखा देता हूँ, एक चेंज दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पर MIUI 14 के अंदर। सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करो, आपको कुछ इस तरह का लेआउट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पोको के F3 GT के अंदर भी आपको ऐसा लेआउट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर MIUI 14 का सेटिंग एप्लीकेशन अपने पोको M4 प्रो के अंदर जो है इंस्टॉल कर रखा है।
तो यहाँ पर जो पोको F3 GT यूजर्स है ना, उन सभी के लिए भी जो अपडेट यहाँ पर आएगा उसमें आपको सेटिंग का लेआउट जो कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने को मिलने वाला, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। साथ में जो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग के अंदर जो है आपको यहाँ पर जो है स्पेशल फीचर वाला जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मेमोरी एक्सटेंशन का भी लेआउट यहाँ पर चेंज हो जाएगा और फ्लोटिंग विंडोज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। यहाँ से स्पेशल फीचर हटा के एडिशनल सेटिंग में स्पेशल फीचर को यहाँ पर भेज दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर लेआउट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हो। और आपके डिवाइस में जो यहाँ पर MIUI 14 का लोगो आ जाएगा और इधर भी MIUI 14 का लोगो आ जाएगा और यहाँ पर एंड्रॉयड 13 आ जाएगा और वर्जन चेंज हो जाएगा आपके पोको के डिवाइस में। हालांकि सुपर फोल्डर का ऑप्शन जो है वो पोको के F3 GT में नहीं मिला है, मैंने पता किया यहाँ पर कुछ सब्सक्राइब अपडेट के बाद। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर जाएगा। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर और आपको कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर लग रहे हैं आफ्टर अपडेट के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।